फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीन्स को स्टार्ट करने से पहले इसका हम देख लेते हैं कि जीन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ। फ्रॉम 1866 ये चार्ट जो है आपने याद रखना है। सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने जीन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था और जीन का नाम नहीं दिया था, ठीक है। तो जीन का नाम बाद में ऑरिजिनेट हुआ था, बट तब तक आप इसे मेंडल्स फैक्टर कहते थे, जो कि या मेंडेलियन आप इसे फैक्टर कहते थे, ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मेंडल के अकॉर्डिंग व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ यूनिट फैक्टर दैट कंट्रोल स्पेसिफिक फिनोटाइपिक ट्रेट। जीन एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर अटैच है और उसके पास एबिलिटी है कि एक फिनोटाइप के कैरेक्टर को कैरी करता है। फिनोटाइप मतलब फिजिकली अपीयरेंस, राइट। जब ये पी के सीड्स पे काम कर रहा था तो ब्राउन होना एक फिनोटाइप कैरेक्टर है, कलर ग्रीन होना ये एक फिनोटाइप कैरेक्टर है, और ये और हाइट होना प्लांट की ये एक फिनोटाइप कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर जो कैरी करता है वो जीन्स करता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। देन हमारे पास गैरेड आया था। गैरेड ने हमारे पास एक थ्योरी दी थी, वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक थ्योरी। देन बीडल एंड टैटम, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। देन इंग्राम, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी। देन हमारे पास एनोफ्स्काई और उसके कोवर्कर्स ने जो थ्योरी दी थी वो जीन इज अ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अच्छा जी, इनमें से जो हम डिस्कस करेंगे जिस कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास होगा बीडल और टैटम का कॉन्सेप्ट अबाउट वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। आपको वन जीन वन एंजाइम थ्योरी अगर समझ में आ जाएगी तो आपको खुद ब खुद वन जीन वन मेटाबॉलिक थ्योरी भी समझ आ जाएगी, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। और जीन इज अ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता है जीन ही वो एलिमेंट है, वो फैक्टर है जो कि आगे जाके प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम जीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीन? जीन इज द जेनेटिक्स व्हाट द एटम इज टू केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री के अंदर एटम है ना, यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, इसी तरीके से जीन्स जो है वो जेनेटिक्स के अंदर बेसिक यूनिट है। तो जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक एक्सेप्ट और फिनोटाइप। हर जीन अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। द जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट स्पेसिफाई द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। और एक जीन एक ऐसा यूनिट है जो कि जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि आगे जाके वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और आपको पता है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी चेन होती है? जो दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स को बीच में कंबाइन करती है। तो ओवर एंड ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स के पास वो इंफॉर्मेशन होती है कि आगे जाके उसने कौन सा प्रोटीन बनाना है, ठीक है। एंड वी नो दैट प्रोटीन इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर हम पूरा पढ़ते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू एक जो है वो एक प्रोटीन बनती है, ठीक है। हर प्रोटीन अलग सीक्वेंस से बनती है, हर प्रोटीन के पास डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। नाउ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, वन जीन स्पेसिफाई वन कैरेक्टर। जीन्स जो है वो एक ऐसा हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि कैरेक्टर को कैरी करता है, एंड डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर। देन दे आर इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मीन्स दे आर गोइंग टू फॉर्म अ amino acids or maybe they involved in the protein synthesis by transcription and translation. Then हमारे पास अगर उस genes के अंदर कोई mutation होती है, कुछ changes होती हैं, तब क्या character show करता है? तब genes का पूरा character change हो जाता है और एक species के अंदर evolution create हो जाती है, evolution generate हो जाती है। तो genes जो है वो तीनों चीजों में participate करता है, character को भी carry करके रखता है, आगे जाके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। और उसके अलावा अगर किसी केमिकल या किसी बायोलॉजिकल म्यूटेशन की वजह से, कुछ चेंजेस की वजह से कुछ चेंज आ जाए जीन्स के अंदर, तो वो भी जो है जीन्स अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके उस स्पीशीज को खराब भी कर सकता है, ठीक है। तो ये अगर आप देख लें, ये एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम हमारे पास दिखाया हुआ है, डबल नहीं है। तो दिस इज अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन्स हमारे पास अटैच है। So number of genes in each organism is more than the number of chromosome. Hence, several genes are located on each chromosome. बेटा मैं आप लोगों को ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। अगर हमारे पास 23 pair of chromosome है, तो 23 ही हमारे पास genes नहीं है। एक के ऊपर बहुत ज्यादा जीन्स अटैच होते हैं, राइट। तो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड नहीं करता। क्रोमोसोम नंबर, अगर एक क्रोमोसोम नंबर पे बहुत सारे जीन्स अटैच होते हैं, तो नंबर ऑफ जीन्स ऑर्गेनिज्म में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों वेरी करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक मखसूस होते हैं जो कि हर स्पीशीज में मखसूस तरीके से होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जीन्स वेरी करते हैं। तो एक क्रोमोसोम पे एक जीन अटैच नहीं होता, एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन अटैच होते हैं। तो जीन्स आर अरेंज इन अ सिंगल लीनियर ऑर्डर लाइक बेयर्ड ऑन अ स्ट्रिंग। और ये भी मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि जीन्स जो है वो लीनियर फॉर्म में अरेंज हुआ होता है, उसका अरेंजमेंट जो है वो लीनियर फॉर्म में होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे धागे के अंदर आप मोती डालना शुरू कर दें। ईच जीन ऑक्युपाई स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकस। जीन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे फिक्स होता है क्रोमोसोम के, और उस स्पेसिफिक पोजीशन को आप कहते हैं लोकस। और उस पोजीशन पे वो जो जीन होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर को कैरी करता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलीन। अच्छा, इसको समझने के लिए जीन्स की होपफुली बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, जीन्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक साइंटिस्ट थे गैरड, इस गैरड ने ये बताया कि भाई जीन्स, अगर एक जीन है ना तो वो एक एंजाइम बनाता है, ठीक है। वो हम आगे एक्सपेरिमेंट में भी डिटेल में देखेंगे, ये बात आपको मेरी एक्सपेरिमेंट के बाद खुद ब खुद समझ आ जाएगी। एक जीन एक एंजाइम बनाता है, अगर वो जीन में म्यूटेशन हो गई तो इसका मतलब वो आगे जाके वो एंजाइम नहीं बनाएगा, और अगर वो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम नहीं बनाता तो एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सीवियर डिसऑर्डर में मुब्तला हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है अलकैप्टोनूरिया। अलकैप्टोनूरिया वो बीमारी है, वो डिसऑर्डर है जिसमें जो यूरिन होता है जैसे ही वो एयर के साथ एक्सपोज करता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है कि वो जो एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं एलकैप्टोन, वो ब्रेक डाउन होता है नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन अगर एक बंदा जीन्स, एक बंदे के अंदर वो जीन्स ही इन्फेक्टेड है जिससे वो एंजाइम बन रहा था जो उस एलकैप्टोन को तोड़ रहा था, देन पर्सन जो है वो सफर करेगा डिजीज से जिसे हम कहते हैं एलकैप्टोनूरिया। इसका मतलब ये है कि एलकैप्टोनूरिया वो बीमारी है जिसमें पेशेंट्स के पास लैकिंग होती है उस एंजाइम की जो कि उस एलकैप्टोन कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर रहा था, ठीक है। तो अगर कोई एलकैप्टोनूरिया से पेशेंट सफर कर रहा है तो एलकैप्टोनूरिया में जैसे ही उसका जो यूरिन है वो एक्सपोजर होगा एयर के साथ, वो एकदम ब्लैक कलर का शो हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एलकैप्टोन था वो एज इट इज मौजूद है, और एलकैप्टोन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो जब एयर के साथ एक्सपोज होता है तो ब्लैक कलर की अपीयरेंस शो करता है। जबकि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में अगर यूरिन एक्सपोज होता है एयर के साथ तो वो ब्लैक कलर का नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि उस कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जीन्स एक इतना, अगर ये जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो गई तो ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर्स माइट बी क्रिएटेड, they might be created a hereditary disorder। अब अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स अटैच हैं तो 23 क्रोमोसोम के ऊपर टोटल जितने जीन्स होंगे उसे हम कहेंगे जीनोम, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट आर कॉल्ड जीन, ठीक। तो इसी तरीके से आपको पता है बैक्टीरिया सेल के अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उनके अंदर as such as क्रोमोसोम नहीं होता, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्लाज्मिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो जो उसका प्लाज्मिड है ना वो उसका पूरा जीनोम है। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होता है कि हर क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन अटैच है, तो अगर 23 क्रोमोसोम है तो मैं टोटल जीन्स काउंट करूंगी, तो टोटल जीन्स को मैं कहूंगी जीनोम, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। पहले एक्सपेरिमेंट से पहले हम ऐसा करते हैं कि कॉन्सेप्ट इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास बीडल एंड टैटम। बीडल एंड टैटम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट जो था वो बेसिकली न्यूरोस्पोरा पे था, उस पे था न्यूरोस्पोरा पे, ठीक है जी। सो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था न्यूरोस्पोरा पे। इसने बीडल और टैटम, दो साइंटिस्ट के नाम, राइट। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, बीडल और टैटम ने न्यूरोस्पोरा को क्यों चूज किया? पहले तो हमें न्यूरोस्पोरा पता होना चाहिए कि न्यूरोस्पोरा क्या है, ठीक है। वेट अ मिनट, बेसिकली न्यूरोस्पोरा जो है वो रेड रेड मोल्ड जो है वो फंगस है। ब्रेड के ऊपर आपको पता है ना, अगर ब्रेड यहाँ से फंगस लग गई है उसकी और वो फंगस रेड कलर की है और रेड कलर की अपीयरेंस होती है, दैट इज न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा जो है उसे कॉमनली हम कहते हैं रेड मोल्ड, रेड ब्रेड मोल्ड। और ये जो हमारे पास न्यूरोस्पोरा है ये एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। न्यूरोस्पोरा क्या है? न्यूरोस्पोरा एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, ठीक है, उसका पेयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसके पास ये सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है, वरना नॉर्मली जो डिप्लॉइड होते हैं उनके पास पेयर की फॉर्म में होती है। तो पेयर की फॉर्म का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर यहाँ पर एक जीन है, मैं इसको जीन को ए बोल रही हूँ, तो इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पर होगी जिसे मैं कहूँगी एलील, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कोई एलील मौजूद नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऐसा एक जीन मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कोई एलील की फॉर्म नहीं होती। अगर लेट सपोज मैं एक, अच्छा बहुत सारे एंजाइम है ना, बहुत सारे जीन्स हैं, लेट सपोज मैं सिर्फ एक जीन को देख रही हूँ, मैंने इसको बोला है एक ए जीन। अब आपने याद रखना हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दी कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जीन्स कैसे होते हैं। जीन्स सिंगल होते हैं, उनका एलील नहीं होता, एलीलिक फॉर्म नहीं होती। वाइल डिप्लॉइड में एलीलिक फॉर्म होती है। तो हैप्लॉइड में पहली चीज तो ये कि एलीलिक फॉर्म नहीं होती। दूसरी बात ये कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं ये न्यूरोस्पोरा, और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये एसेक्सुअली कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? ये बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनाते हैं। यानी कि सिंपली एक न्यूरोस्पोरा है तो वो अपने आप को, अगर एक है तो वो दो स्पोर्स में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये आगे जाके दो, यानी कि अपने आप को मजीद स्पोर्स फॉर्मेशन करेगा। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है बाय एस्कस फॉर्मेशन, और आपको पता है एस्कस वो हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है जिसके अंदर दोनों गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं, एंड देन न्यू बनाते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि न्यूरोस्पोरा वो ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है। नाउ अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो बीडल और टैटम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। बीडल और टैटम ने क्या किया, ये जो इसके ये ब्रेड मोल्ड थी ना, ये थोड़ी सी उठा के इसने यहाँ पे रखी, ठीक है। और इसने जो ब्रेड मोल्ड ली थी वो ली थी वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोर। वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोर से क्या मुराद है? वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोर का मतलब ये है वो ऑर्गेनिज्म जिसको खुद ब खुद ग्रो कर देता है, जिसको जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला आपको पता है फ्रूट फ्लाई होता है। तो फ्रूट फ्लाई वो फ्लाई जिसको हम खुद तो नहीं रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं ना, वो नेचुरली मौजूद है। दैट्स व्हाई दे इट इज कॉल्ड वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, जो कि नेचुरली मौजूद है। नेचुरली जो था वो हमने इसके अंदर इस मीडियम में डाल दिया, और इस मीडियम को हम कहेंगे मिनिमल मीडियम। इसको मिनिमल मीडियम क्यों कहेंगे? इसको मिनिमल मीडियम इसलिए कहेंगे क्योंकि इस मीडियम के अंदर मिनिमम न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। मिनिमम का मतलब वो न्यूट्रिएंट सिर्फ मौजूद है जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस जैसे न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा एक ऐसे मीडियम के अंदर शामिल है कि जिस मीडियम में सिर्फ इसके ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें, गिनती की, फिंगर टिप्स पे गिनती की चीजें, वो इस मीडियम में हमने डाली है ताकि वो आराम से रिप्रोडक्शन कर सके। कुछ टाइम बाद ये जो न्यूरोस्पोरा है ये एसेक्सुअली स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब मैंने क्या किया, इस मीडियम में से इस एसेक्सुअली स्पोर को टीटम और बीडल, हमारे पास जो टीटम और बीडल ने निकाले और इसको एक्सपोजर किया। अब इसने एक्सपोजर किसके साथ कर दिया भाई? इसने एक्सपोजर कर दिया एक्सरे के साथ और अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ। एक्स रेज आपको पता है कि एक्स रेज और यूवी रेडिएशंस जो हैं जब भी किसी स्पोर्ट्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करते हैं तो वो म्यूटेशन फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको एक्सपोजर हुआ एक्स रेज का और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, तो वो जैसे ही इन स्पोर्ट्स के ऊपर ये गई तो इसमें अंदर म्यूटेशन क्रिएट हो गई। अब ये म्यूटेशन वाले एसेक्सुअल जो स्पोर्ट्स हैं उनको हमने दोबारा एक मीडियम में डाल दिया। अब इस मीडियम को हमने बोला है, ये जो मीडियम है वो बेसिकली हमारे पास, ये जो मीडियम है वो हमारे पास कंप्लीट मीडियम है। कंप्लीट मीडियम, यहाँ पर मिनिमल मीडियम था, यहाँ पे कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम का मतलब है इसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स के लिए, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स शामिल है जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए। यहाँ पर मिनिमम न्यूट्रिएंट्स डाले थे जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी थे, यहाँ पर हमने कंप्लीट मीडियम इसके अंदर डाल दिया। अब आप देखते हैं कि जैसे ही हमने एसेक्सुअल जो स्पोर्ट्स थे वो इसके अंदर ऐड किए तो इसने फटाफट से मजीद और ज्यादा स्पोर्ट्स बना लिए। तो इसका मतलब अब ये जो स्पोर्स बने हैं इसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, इसके अंदर चेंजेस हो चुकी हैं। अब क्या किया हमने, अब इन स्पोर्स को निकाला और फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको अगेन कंप्लीट मीडियम के अंदर दोबारा डाला, कंप्लीट मीडियम के अंदर दोबारा डाला। कंप्लीट मीडियम के अंदर जैसे ही ये गया इसने मजीद अपनी ग्रोथ शो की। ठीक है, वही बात आ रही है कि इधर भी कंप्लीट मीडियम में डाला था, यहाँ पर इसको डाला जिसमें म्यूटेशन हो चुकी है, फिर ये स्पोर्स आए, फिर इन स्पोर्स को, आप स्पोर्ट्स को जब इनको दोबारा ग्रोथ करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने दोबारा से कंप्लीट मीडियम में डाला। अच्छा, एक काम ये करेंगे ये कि एक स्पोर्ट्स को पूरा कंप्लीट मीडियम में डाल देंगे और दूसरा काम ये करेंगे कि ये बहुत सारी टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब आपके सामने देख लें, टेस्ट ट्यूब्स बहुत सारी मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टेस्ट ट्यूब डाली। अब ये जो 11 टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर कंप्लीट मीडियम नहीं है, किसी में कोई मौजूद है, किसी में कोई मौजूद है। अब ये जो नाम लिखे हुए, क्या लिखे हुए, ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, पायरिडोक्सिन, बेंजोइक, कोलिन, न्यूक्लिक एसिड, फॉलिक एसिड, आर्जिनिन, नियालिक, रिबोफ्लेविन, थायामीन, मिनिमम कंट्रोल। ठीक है जी, तो ये तमाम जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स उसने डाल दिए, टैटम और बीडल ने। उसके बाद ये जो स्पोर्स थे उसने सब में स्पोर्स डाले, ये देख लें, ये स्पोर्स डालना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसने देखा कि अब क्योंकि यहाँ पर तो कंप्लीट मीडियम में इसने डाला हुआ था ना, अब यहाँ पर तो इनकम्प्लीट मीडियम है, किसी में कोई अमाइनो एसिड मौजूद है, किसी में कोई अमाइनो एसिड मौजूद है। उसने देखना ये था कि किस मीडियम में जो न्यूरोस्पोरा है वो ग्रो करेगा। तो उससे उसने ये नोट किया कि आर्जिनिन जो था वहां पे जो है वो न्यूरोस्पोरा ने फटाफट ग्रोथ कर दी, जबकि बाकी किसी मीडियम के अंदर उसने ग्रो नहीं की। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब एक्चुअल में बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूड किया। अच्छा, अब आ जाते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूड किया 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब है, इसने बोला एक क्रोमोसोम था, ठीक है जी, एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स अटैच है। एक को मैंने बोल दिया जीन क्लस्टर 1, एक को बोल दिया जीन क्लस्टर 2, अब एक को बोल दिया जीन क्लस्टर 3, जबकि इधर 2 जीन है, ठीक है, लेकिन इसको नाम दे दिया साइंटिस्ट ने जीन क्लस्टर 3। तो 3 जीन्स मौजूद हैं और जीन 1 क्या बनाता है, एंजाइम E बनाता है, जीन 2 क्या बनाता है, एंजाइम F बनाता है, और जीन 3 क्या बनाता है, एंजाइम G और H बनाता है। ये वो एंजाइम है जो के ग्लूटामेट को ऑर्निथीन में कन्वर्ट करता है, एंजाइम F वो एंजाइम है जो ऑर्निथीन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है, एंजाइम G वो एंजाइम है जो सिट्रुलिन को आर्जिनोसुसिनेट में कन्वर्ट करता है, और एंजाइम H वो एंजाइम है जो आर्जिनोसुसिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये आर्जिनिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आर्जिनिन ही वो एंजाइम है जो के आगे जा, ये वो अमाइनो एसिड है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की न्यूरोस्पोरा में ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज जीन 1 के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जो कि टैटम और बीडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेट सपोज जीन 1 में म्यूटेशन हो गई। अब जीन 1 में म्यूटेशन हो गई तो वो जीन E नहीं बना सकेगा, यानी कि ग्लूटामेट और ऑर्निथीन में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा। तो जब ग्लूटामेट और ऑर्निथीन में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा तो इसका मतलब आर्जिनिन भी नहीं बनेगा, राइट। अगर जीन 2 म्यूटेशन हो गई, जीन 2 के अंदर क्यों म्यूटेशन हो गई, तो इसका मतलब ये जीन F नहीं बनाएगा, और अगर जीन F नहीं बनेगा तो ऑर्निथीन सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर ऑर्निथीन सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर भी आर्जिनिन नहीं बनेगा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर किसी भी जीन्स में म्यूटेशन हो गई तो एंड प्रोडक्ट आर्जिनिन नहीं बनेगा। अगर आर्जिनिन नहीं बनेगा तो न्यूरोस्पोरा कैसे ग्रोथ करेगा, ठीक है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में इसने ये बताया था, इस वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने ये बताया, लेकिन अगर मैं बाहर से मीडियम और क्योंकि मुझे पता है जीन 1 हो गया है म्यूटेशन, जीन 1 में हो गई है म्यूटेशन, लेकिन अगर मैं बाहर से ऑर्निथीन ला के डाल दूं तो वो खुद ब खुद आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीन 1 तो इफेक्ट हो गया था ना, तो वो ऑर्निथीन खुद को नहीं बना रहा था, लेकिन मैं बाहर से डाल दूं। टीटल और बैटन ने यही किया था कि उसने बाहर से डाल दिया। और अगर लेट सपोज जीन 2 ये सिट्रोलिन नहीं बना रहा और मैं बाहर से सिट्रोलिन ला के डाल दूं तो वो खुद ब खुद आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। दैट्स वाई इन सब जो टेस्ट ट्यूब है इनमें से किसी भी मीडियम में न्यूरोस्पोरा नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसमें आर्जिनिन का पहले वाला कंपोनेंट मौजूद नहीं था। तो सिर्फ क्योंकि आर्जिनिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ के लिए, तो आर्जिनिन के बनाने के लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है कि म्यूटेशन के थ्रू वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया हो। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वन जीन वन एंजाइम हाइपोथीसिस। क्या है भाई, इस हाइपोथीसिस से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? इस हाइपोथीसिस से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जीन 1 क्या कर रहा है? ओ कर रहा है, ओ फॉर्म कर रहा है। जीन 2 सी फॉर्म कर रहा है, सी फॉर सिट्रोनिन। जीन 3 ए फॉर्म कर रहा है, आर्जिनोसुसिनेट। और ये तमाम चीजें आगे जाके आर्जिनिन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ये नहीं मौजूद होगा तो खुद ब खुद आर्जिनिन नहीं बनेगा। अगर ये मौजूद नहीं होगा, ये मौजूद है, फिर भी नहीं आर्जिनिन बनेगा। अगर ये मौजूद नहीं होगा, ये दोनों चीजें मौजूद हैं, फिर भी आर्जिनिन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक एंजाइम एक जीन को बनाता है, और अगर ये जीन एक ऐसे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो जो कि बायोकेमिकल पाथवे है, तो उस एक जीन की वजह से ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीन। इसे हम कहते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड एविडेंस।